भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। आखिरकार टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर दी, जिसके बाद अब केएल राहुल ने इंग्लैंड की टीम को चेतावनी दे डाली है। क्या कुछ कहा है केएल राहुल ने इंग्लैंड की टीम के बारे में, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में जोरदार टक्कर देखने को मिली। मैच के दौरान कई ऐसे मौके आए जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से उलझते हुए दिखे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खास तौर से इंग्लिश टीम के निशाने पर थे। तीसरे दिन जहां एंडरसन ने जसप्रीत बुमराह से कुछ कहा, तो पांचवें दिन जॉर्ज बटलर और मार्क वुड ने बुमराह को स्लैच करने की कोशिश की। ये घटना बुमराह और मोहम्मद शमी के बीच 90 विकेट की साझेदारी के दौरान हुई। दोनों ने इंग्लिश गेंदबाजों को खूब परेशान किया और 89 रनों के नाबाद साझेदारी की। इंग्लैंड के गेंदबाज भारत का 90 विकेट लेने के लिए तरसते रहे। जब इंग्लैंड को सफलता नहीं मिली तब वे स्लैजिंग पर उतर गए। पारी के 92 ओवर के खत्म होने के बाद विकेट कीपर जॉर्ज बटलर ने बुमराह को कुछ कहा। इसके बाद बुमराह को मैदानी अंपायर से बात करते हुए देखा गया, जिसके बाद अंपायर भी भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह को समझाते हुए नजर आए। इससे पहले मार्क वुड ने भी बुमराह को कुछ कहा था। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान विराट कोहली और मोहम्मद सिराज ने भी इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन और जॉर्ज बटलर पर पलटवार कर दिया। इस पूरे मामले पर टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल ने रिएक्ट किया है। उन्होंने मैच के बाद इस मामले पर बयान दिया है। राहुल ने कहा है कि यदि हमारे किसी एक खिलाड़ी को विपक्षी टीम निशाना बनाएंगे तो इसका जवाब उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी देंगे। राहुल ने कहा है कि जब दो टीमें आमने सामने होती हैं तो इस तरह की उम्मीद होती है। अच्छी स्किल के साथ आप शब्दों के आदान प्रदान की उम्मीद करते हैं। हमें इस तरह के नोकझोंक से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप हमारे किसी एक खिलाड़ी के पीछे पड़ोगे तो हम 11 मिलकर आपको नहीं छोड़ेंगे। केएल राहुल के लिए दूसरा टेस्ट मैच यादगार रहा। उन्होंने इस मैच में 129 रनों की पारी खेली। राहुल ने अपनी पहली पारी में रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 126 रनों की साझेदारी की। राहुल को उनकी इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 151 रनों से जीत हासिल की है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। तो दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल के इस बयान से खुश हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।